चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तो छेड़ने की कई सावन इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s की तीन खूबसूरत एक्ट्रेस रुखसार रहमान, शांति प्रिया और ईवा ग्रोवर के फिल्मी सफ़र के बारे में। इनका फिल्मी करियर तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन कुछ इनके गानों की वजह से इन्हें आज भी याद किया जाता है। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। 91 में आई थी शांति प्रिया की पहली फिल्म सौगंध, और इस फिल्म में इनके लिए तीन गाना गाया गया था। पहला और दूसरा गाना था लैला को भूल जाए। और आखिरी गाना गा था टूट गया दिल। इनकी दूसरी फिल्म अंधा इंतकाम, और इस फिल्म में शांति प्रिया के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया गया था। '93 में आई थी इनकी एक और फिल्म फूल और अंगार, और इस फिल्म के दो ऐसे गाने हैं जो काफी ज्यादा और दूसरा गाना था हम तेरी मोहब्बत। तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। 94 में आई थी इनकी आखिरी फिल्म इक्के पे इक्का, और इस फिल्म में शांति प्रिया के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया गया था। लिख दी जवानी तेरे नाम, और अब हम बात करेंगे रुखसार रहमान के फिल्मी सफर के बारे में। 92 में आई थी इनकी फिल्म याद रखिए कि दुनिया, और इस फिल्म में रुखसार के लिए दो गाने गाए गए थे। पहला गाना और दूसरा गाना था टूटी मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे बंगला, बंगले में कोई आया है, आगे हमें आया है, बंगले में कोई का बच के ना हा। 92 में आई थी इनकी दूसरी फिल्म इंतहा प्यार की, और इस फिल्म में रुखसार के लिए दो गाने गाए गए थे। पहला गाना था और दूसरा गाना ये वाला। में आई थी इनकी फिल्म जीना नहीं बिन तेरे, और इस फिल्म में रुखसार के लिए तीन गाने गाए गए थे। पहला गाना था और दूसरा गाना ये वाला है उधर, वो आग है इधर, और भला चाहे किसी का दिल, दिल 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 उबका है दिल, रोज मिलूं। और आखिरी गाना गाया था आशा भोसले। रही सामने तो आके ना गिर जाए।
और अब हम बात करेंगे ईवा ग्रोवर की फिल्मी करियर के बारे में। 96 में आई थी फिल्म कृष्णा और इस फिल्म में इनके लिए एक गाना पिक्चराइज किया गया। में आई थी फिल्म स्मगलर और इस फिल्म में ईवा के लिए तीन गाना गाए। और दूसरा गाना था आज छोड़ के ना जा। और आखिरी गाना था टन टन। '97 में आई थी फिल्म धर्मा कर्मा और इस फिल्म में ईवा के लिए दो गाने गाए गए थे। पहला गाना और दूसरा गाना कुमार शर्मा ने गाया था। 98 में आई थी इनकी फिल्म आंटी नंबर वन और इस फिल्म में सिर्फ इनके लिए एक ही गाना '97 में आई थी इनकी फिल्म सपत और इस फिल्म में इनके लिए सिर्फ एक ही गाना गाया गया था। '99 में आई थी इनकी आखिरी फिल्म नैन दाता और इस फिल्म में ईवा के लिए पांच गाने गाए गए थे। पहला गाना दूसरा गाना ये वाला था। और अगला गाना कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। और अगला गाना ये वाला था। और आखिरी गाना ये वाला था।